आज हम आपको एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जिसे आपने कम ही देखा होगा। ये एक जंगली जीव मॉनिटर लेजर्ड है, इसे बोलचाल की भाषा में गो या गोहाट या घोड़पल कहा जाता है, जो एक बड़ी छिपकली की तरह होता है। इसने आजकल शिवनी के वन विभाग की टीम के नाक में दम कर रखा है। आज के इस दौर में आधुनिक तकनीक ने चाहे तरक्की कर ली हो, ऊंची ऊंची मीनारों पर चढ़ना अब मुश्किल नहीं रहा। पलक झपकते किसी भी ऊंचाई पर पहुंचा जा सकता हो, फिर चाहे वो पहाड़ हो या किसी बिल्डिंग। लेकिन जब तकनीक का विकास नहीं हुआ था तब इसी ऊंचाई पर पहुंचा जाता था। लेकिन जब यह तकनीकी विकास नहीं हुआ था तब भी इस ऊंचाई तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा, तब पहाड़ों या ऊँचे किलों पर चढ़ने के लिए एक जंगली जीव का सहारा लिया जाता था। जी हाँ, इस जंगली जीव का नाम है गोह यानी घोड़पल, जो पानी में रहती है और तैराकी में दक्ष होती है। साथ में यह तेज धावक और वृक्ष पर चढ़ने में माहिर होती है। पुराने समय में जो काम हाथी घोड़े नहीं कर पाते थे उसे यह गोह आसानी से कर देती थी। इसी कमर में रस्सा बांध कर दीवार पर फेंक दिया जाता था और जब वह अपने पंजों से जमकर दीवार पकड़ लेती थी तब रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ जाते थे। सिवनी से महफूज अंसारी की रिपोर्ट। ये मॉनिटर लेजर्ड है जिसको अपने मध्य प्रदेश या भारत में गोहटा, गोहेरा, घोहट्टा इनके नाम से इनको जाना जाता है। और पहले आप इसको देख लीजिए, मैं रख देता हूँ। जी ये है कि ये मॉनिटर लेजर्ड है जो शेड्यूल वन में आता है फॉरेस्ट में, और लोगों में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं इसको लेकर के कि ये काट देता है तो लोग मर जाएंगे, और दूसरी ये धारणा है कि इससे तेल बनता है या मेडिसिन वगैरह बना लेंगे हम लोग। कई जगह पे इसकी तस्करी भी की जाती है। चूँकि शेड्यूल वन का है, सिवनी में कई बार कुछ लोगों को पकड़ के और प्रकरण बनाए गए हैं इसके ऊपर, और हमारी यही अपील रहती है हमेशा कि वन्य प्राणी जो हैं उनकी सुरक्षा निरंतर करते रहना चाहिए लोगों को। ये ऐसा प्राणी है कि ये किसी दूसरे काम नहीं आता है, शेड्यूल वन है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।